ओके, तो लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। टुडेज लेक्चर विल बी स्पेसिफिक, डिफरेंट, राइट? बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। आई हैड एक्सप्लेन व्हाट इज दिस इपॉक्साइड नॉमेनक्लेचर, मैंने आपको बताया था बेटा यहाँ पे इपॉक्साइड क्या होता है। इपॉक्साइड इज व्हाट? साइक्लिक ईथर। कैन से दैट व्हाट? साइक्लिक ईथर, दिस इज आवर इपॉक्साइड, राइट? कुछ इस तरह ऐसा होता है। अब रिंग कितने भी डिपेंड करता है वो है अलग अलग, ऐसा कुछ इपॉक्साइड। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया था ईथर में। हाउ दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ईथर। ईथर में भी मैंने आपको विलियमसन सिंथेसिस बताया था, देन एक्शन ऑफ HI, हाइड्रोलाइसिस एक्सेट्रा, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए थे। अभी जरा इसमें देखो। Now I'm going to explain nucleophilic substitution reaction in cyclic ether, otherwise epoxide. ठीक है। So पहले हम लोग देखेंगे epoxide formation, फिर उसके बाद देखेंगे breaking of epoxide, right ना? Means ring formation और ring opening दोनों चीजें देखेंगे। First I'm going to explain ring formation. रिंग फॉर्मेशन देखना जरा सा, रिंग फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा यहाँ पे, रिंग ओपनिंग कैसे होता है। रिंग फॉर्मेशन एक एग्जांपल में लेता हूं, राइट? रिंग फॉर्मेशन के लिए एक शॉर्टकट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंट्रामोलिक्यूलर SN2 mechanism, ठीक है? कैसे होगा ये देखो जरा सा, आपको समझेगा यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको सारी कहानी समझ में आएगी। देखो यहाँ पे क्या मैं बताने जा रहा हूँ, सेम। अगर मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड ले लिया लाइक CH3, सॉरी CH2, हियर आई एम टेकिंग दिस CH2, राइट, एंड CH2। सपोज ऐसा कुछ ले लिया मैंने बेटा, यहाँ पे ले लिया मैंने OH और यहां पे ले लिया मैंने Cl, ऐसा। नेम तो आपको पता है कैसा होगा नाम इसका, 1 2 3 4, मींस 4-chloro-butanol, इट्स सिंपल 4-chloro-butanol। देखो ध्यान से, फोर क्लोरो ब्यूटेनॉल। इन दिस 4-chloro-butanol व्हेन NaOH विल अटैक NaOH का एक्शन, ठीक है? क्या होगा NaOH का एक्शन? What is the role of this NaOH? क्या इसका एक्शन है? कैसे यहाँ पे काम करेगा? बताओ मुझे, right? Aqueous alkaline hydrolysis process। देखो यहाँ पे कैसा होगा? So first of all, ये जो OH है, ये obstruct करेगा इस acidic hydrogen को। Acidic hydrogen means what? जो more electronegative element से attach है, आराम से निकल सकता है एज एस प्लस। तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जो है, देखो ये बाकी ये सब तो कार्बन से अटैच है, दिस हाइड्रोजन अटैच टू द ऑक्सीजन, एकदम अच्छे से समझो बेटा यहाँ पे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, OH माइनस ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, राइट हियर ऑब्स्ट्रैक्शन, H प्लस, राइट? ये ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया तो प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखना। वी गेट दिस CH2 CH2 CH2O, और यहां पे हो गया बेटा Cl, ठीक है? अब डेफिनेटली यहां पे से जब हाइड्रोजन निकल गया, H प्लस निकल गया हाइड्रोजन आयन, तो यहां पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया।
और आपको पता है कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा. आर गेटिंग माय पॉइंट? दिस विल बी अटैक एज व्हाट? न्यूक्लियोफाइल, समझो इसको जरा सा. हाँ, और ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? देखो यहां पे बैक साइड से, क्योंकि यहां पे तो क्लोरीन है ऑलरेडी. इसके पीछे, इसके बैक साइड में, इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में फ्री ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो वहां पे ये अटैक करेगा. राइट, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? सी दिस. और जैसे ही अटैक करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी ना. तो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. सो दिस इज व्हाट न्यूक्लियोफाइल एज अटैकिंग ग्रुप, और दिस इज व्हाट लिविंग ग्रुप. आपको समझ में आ रही चीजें? दिस इज लिविंग ग्रुप. इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला दिस इज व्हाट इंट्रामोलिकुलर, एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बट एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड व्हाट इंट्रामोलिकुलर एसेंट टू मैकेनिज्म. देन इट फॉर्म क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो यहाँ पे वी गेट दिस. CH2, राइट है, CH2O, इपॉक्साइड बन गया. क्या समझा आपको? यस सर. राइट, अदरवाइज इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज भी कैन राइट इन दिस वे. मैकेनिज्म अच्छे से समझो. आपको रिएक्शन जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करने होंगे ना, आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आने वाला है. कुछ टेंशन नहीं रहेगा आपको. हाँ, सब कुछ बड़े आसानी से आपको फाइंड आउट हो जाएगा. ये प्रोडक्ट मिल गया. राइट, तो आप देख रहे हो ये न्यूक्लियोफाइल है, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया. यहाँ पे कैसा हो गया? पहले इसको देखो, रीजन कैसा है. यहाँ पे कैसा है? OH है, OH में से H प्लस निकल गया, ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया. किसने? बेस ने ऑब्स्ट्रक्ट किया. बेस का रोल कैसा होता है? वो H प्लस को ले लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन जितनी भी होगा उसको ले लेगा. तो यहाँ पे ले लिया, OH माइनस बचा. जैसे ही OH माइनस बचा, ये कैसा करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा फॉर्म की साइक्लिक कंपाउंड. तो अभी रिंग फॉर्मेशन कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर. जैसे देखो, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा. थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल. यू टेल मी व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर. जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा, यहाँ पे सर. यस सर, वो जो रिंग स्ट्रक्चर बना है उसमें लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों बनेंगे? लेफ्ट और राइट मतलब? हाँ, ये दोनों सेम है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें. क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है, बोथ आर सेम. सर एक में चार कार्बन है और एक में सिर्फ तीन ही है. चार ही तो है बेटा, दोनों में चार है ना. एक दो, अच्छा सॉरी 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 आई एम सॉरी, इट शुड आल्सो 4. हाँ, यहाँ पे भी चार रहेगा. ओके, बाय मिस्टेक, मैंने मिस्टेक किया, इट्स माय बैड, सॉरी. दिस विल बी प्रोडक्ट. हाँ, अभी ठीक है? यस सर. दोनों सेम हो गया, फोर कार्बन, 1, 2, 3, 4 कार्बन, नंबर लेस नहीं होगा, दैट इज सेम. अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन में लिखता हूँ. यहाँ पे जैसे मैंने ये ले लिया कार्बन, CH3. अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे Br. आप सोच के बताओ जैसा प्रोडक्ट क्या बनेगा. ठीक है, देखना. अब इसमें प्रोडक्ट में आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, जस्ट थोड़ा सा सोचना है और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. जरा सा केयरफुली इसको जब सब सोचेंगे तो आपका फॉर्म काम हो जाएगा. बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaOH सिलेक्ट किया सपोज, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? व्हाट प्रोडक्ट यू आर एक्सपेक्टिंग हियर? देखो एक प्रोसेस तो सेम होगा कि यहाँ से H प्लस निकलेगा, वो H बेस जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा एसिडिक हाइड्रोजन को. तो एक प्रोडक्ट तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ जो आपको वेरी सिंपल पार्ट है, ये सबको आएगा. फर्स्ट स्टेप तो यही बनेगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है. H हो गया बेटा यहाँ पे, यहाँ पे हो गया CH2, 1, 2, राइट है ना, 3. ठीक है, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 1, 2, 3, और यहाँ पे क्या है अपना, है ये CH3 है,
CH3I है, और यहाँ पे फॉर्म हो गया निगेटिव चार्ज आयन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, क्वेश्चन इज हियर, दिस न्यूक्लियोफाइल एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन विच कार्बन, दिस कार्बन अदरवाइज ऑन दिस कार्बन, दोनों के पास लिविंग ग्रुप है बी आर और आई, आपको समझ में आ रहा है क्या? बी आर अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बी आर बाहर जाएगा, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे अटैक करेगा तो ये आई बाहर जाएगा और यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होगा। आप मुझे बताओ कहाँ पे अटैक करने के लिए ये प्रेफरेंस देगा, किस साइड में ये अटैक करने की कोशिश करेगा? टेल मी फास्ट, सोचो जरा सा, सोचो अच्छे से सोचो। मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये इस पे ध्यान देना, हर एक वर्ड हर एक चीज जो लिखा उस पर ध्यान देना। SN2, I'm writing what? SN2. SN2 मतलब क्या हो गया, जहां पे बल्किनेस कम है। क्या आपको समझ में आ रहा है? BR पे फिर करेगा। Yes. देखो यहाँ पे रीजन कैसा है, रीजन कैसा है, यहाँ पे लेस बल्की ग्रुप है और यहाँ पे मोर बल्की ग्रुप है CH3CH3। अच्छा है, आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे BR और I दिया है। I इज मोर गुड लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू द बी आर, बी आर के कंपेयर में आई जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आप बोलोगे यहाँ पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप पे अटैक किया। बट यहाँ पे बल्किनेस भी तो है ना, यहाँ पे अटैक करने के चांसेस, क्योंकि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग, बैक साइड से अटैक करना है इसको, यहाँ पे निकलने के बैक साइड से अटैक के चांसेस कम है क्योंकि बल्किनेस है, तो डेफिनेटली इट वी प्रीफर टू हियर। क्या सबको समझ में आ रही है चीजें? यस सर। यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, तो प्रोडक्ट क्या बन गया आप बताओ मुझे, प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो कितने कार्बन के रिंग फॉर्म हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 राइट है, बट यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन इसी में हो रहा है ना, 1 2 3 4 कार्बन से, तो 4 कार्बन से रिंग पहले बना देते हैं। ये बन गया, देखो ये वाला कार्बन ये है राइट है, ये वाले कार्बन से एक CH3 अटैच है, मैंने CH3 अटैच कर दिया। केयर करो यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये वाला CH3 ये हो गया, इस कार्बन से अटैच हो गया राइट है, इससे एक CH2 है, फिर एक CH2 है, फिर एक CH है, और यहाँ पे OH आ गया, CH2OH। आपको समझ आ रहा है क्या? राइट है, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे क्या अटैच है, देखो यहाँ पे CH2 अटैच है, CH2 अटैच है, CH2 अटैच है, CME ले लिया, मिथाइल ME और I। क्या समझा आपको प्रोडक्ट क्या बना? राइट, बिकॉज ऑफ दिस बल्किनेस इट विल बी अटैक हियर, तो प्रोडक्ट ये भी दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा राइट सर। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना, वो थोड़ा भी नहीं बनेगा क्या? यस, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, वहाँ पे चांस नहीं है ना, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ही आपको पूछेगा, दोनों के चांसेस तो ऐसा पूछते नहीं नॉर्मली, कंफ्यूज करने के लिए तो यही रहता है कि क्या प्रोडक्ट मेन बनेगा, तो मेन प्रोडक्ट ही लिखेंगे हम लोग। तो SN2 मैकेनिज्म है यहाँ पे, इंट्रा मॉलिकुलर SN2 रिएक्शन है, वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे बल्किनेस कम है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे बल्किनेस दोनों के सेम रहता है, यहाँ पे भी एच रहता और ये CH3 रहता, एच रहता CH3 रहता, तो प्रेफरेंस किसको देगा? लिविंग ग्रुप को, मोर लिविंग ग्रुप को, समझा ना? तब वहां पे दोनों के चांसेस इक्वल होते, तब यहाँ पे ये वाला लिविंग ग्रुप जल्दी निकलता, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ज्यादा मिलता और ये वाला कम मिलता उसके, राइट? Got it, बेटा?
हो गया, ठीक है ओके। एक और बात ध्यान देना, यहाँ पे अटैक करता है तो जो लिविंग ग्रुप है वो अपोजिट साइड में ही होना चाहिए, राइट। ऐसा कुछ ग्रुप न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप जब एक ही साइड में होंगे तो वहां पे वो रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक एग्जांपल वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ये नोट डाउन करके रखो अच्छे से। सपोज अगर मैंने ये रिएक्शन लिखा बेटा यहाँ पे, ऐसा कुछ रिएक्शन लिखा मैंने, ऐसा ले लिया मैंने। अभी सपोज यहाँ पे कुछ ग्रुप अटैच है OH का और यहाँ पे अटैच है, समझो जरा इसको, हाँ वेज और ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बनाया। अभी सपोज यहाँ पे OH है और यहाँ पे CL है, ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज है। और यही मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया यहाँ पे, ये और ये भी ऐसा ले लिया मैंने, हाँ समझो जरा इसको, इसको यहाँ पे मैंने ऐसा बना दिया, ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऐसा है HH, यहाँ पे समझो कहानी को। ये मैंने ले लिया OH और ये ले लिया मैंने CL। अब दोनों पे यहाँ पे H और H है, यहाँ पे हमने ले लिया रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल, NaOH का रिएक्शन करा दिया जो मैंने प्रीवियसली करा रखा। तो कौन से रिएक्शन पॉसिबल है, देखो यहाँ पे एक समझो यहाँ पे कि ये जो OH है और जो CL है, डेफिनेटली यहाँ से H प्लस निकल जाएगा यहाँ पे और यहाँ मिलेगा माइनस, माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर, राइट ना। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, देखो ये वेज पे है और ये डैश पे है, अपोजिट है तो यहाँ पे रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको फॉर्म हो जाएगा, इट विल गिव द प्रोडक्ट लाइक दिस वन, एकदम अच्छे से समझो। आपको आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का भी नॉलेज थोड़ा सा हो जाना चाहिए यहाँ पे, वो सब चीजों को आपको इंक्लूड करना है क्योंकि क्वेश्चन की ट्विस्टिंग ऐसे ही होती है, सॉरी ठीक है। ऐसा यहाँ पे वो आ गया, क्या समझ में आ गया आपको, ठीक है, अटैक किया हो गया क्योंकि SN2 हम पढ़ रहे हैं ना, बता इनवर्जन तो मिलेगा हमें, तो ये जहाँ पे अटैच था उसके अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे वो आ गया, ये प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम साइड में तो ये यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं, आपको समझा, बैक साइड अटैक करने जाएगा, बैक साइड में तो यहाँ पे CL है ऑलरेडी, दैट इज नॉट चांस, क्लियर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो साहब की आवाज नहीं आ रही है। अरे वेट करना, मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, कभी समझ नहीं आ रही। आई टोल्ड यू जस्ट वेट एक फ्यू मिनट। ओके सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, रिएक्शन टेक्स प्लेस
when living group and nucleophile present at the transposition, not at the position. Okay, just note down this. ओके बेटा ठीक है, ये नोट डाउन कर लो. तो दोनों किस पे होने चाहिए? ट्रांसपोजिशन पे. दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट शुड बी एट द ट्रांसपोजिशन. गॉट इट? चलिए अभी रिंग ओपनिंग की बात करेंगे हम लोग. हाँ, ये नोट डाउन कर लो आप. वी विल टॉक अबाउट द रिंग ओपनिंग. ओके बेटा, हैव डन. चलिए, थोड़े से डिस्टरबेंस हो रहा है, कुछ कॉल आ रहे थे अर्जेंट दूसरे लेक्चर के, इसके लिए ना नोट डाउन कर लिया ये. चलिए आगे चलते हैं. अब देखो यहाँ पे, अरे सत्यम ये रफ करो ना, क्या लेख बनाया है. सत्यम रफ करो, रफ करो थोड़ा. सर रफ करती है. अरे ये है ना, देखो डॉट अभी तुम्हारा है अभी, तो लोन पे रफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा वो. हाँ, जस्ट रफ इट. क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे. चलिए नेक्स्ट वन इज व्हाट? रिंग ओपनिंग. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंटरेस्टेड. रिंग ओपनिंग कैसे देखते हैं, ठीक है. अब रिंग ओपनिंग समझो जरा, इसको कैसे होगा या क्या होगा. राइट, जैसे देखो होता कैसे है. सपोज एक कंपाउंड लिया मैंने इपॉक्साइड का. आई हैव टेकन दिस इपॉक्साइड. कैसे देखो यहां पे. सी यहाँ पे आर ले लिया मैंने. हियर आई एम टेकिंग दिस आर एंड आर, ठीक है. अब देखो बेटा, इसका प्रोटोनेशन कर रहे हैं. तब देखो एक्चुअल जनरल रिएक्शन का मैकेनिज्म जरा समझ लो. यहाँ पे डेफिनेटली इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटोनेटेड होगा. सत्यम इसको रफ कर दो ना बेटा. कहाँ पे हो, सुन रहे हो मेरी बात? सर नहीं हो रहा है. अरे यार तुमने करेगा कौन, ये रफ कौन करेगा? दूसरा कोई तो लिखा नहीं ना. देख मेरे से भी नहीं हो रहा है, आप ही ने लिखा ना. मेरा जो है वो रफ हो जाएगा. पेंशन है, क्रिएट हो गया. हाँ करो, अभी हो तो रहा है, वो रफ भी हो गया. तो ये नहीं हो रहा है. कोई और किया गया इसको? पता नहीं. चलो ठीक है, देखते हैं. सो ओके, जरा समझो. हाँ ठीक है, छोड़ो. यहाँ पे एच प्लस एन हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो गया इसका, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? इस तरह हो जाता है, कोई बात नहीं. चलो देखो यहाँ पे, अब कॉन्सेंट्रेट करो रिएक्शन पे. छोड़ो उसको. यहाँ पे आ गया ओ, ओ
बहुत अच्छे से समझो सब मैकेनिज्म बेटा, यहाँ पे मैकेनिज्म ही मेन है, वही आपको बचाएगा ऑर्गेनिक में डूबने से। हाँ एच, अब यहाँ पे प्लस आ गया, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, इज इट क्लियर? सो डेफिनेटली अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा आप मुझे बताओ, कैसे अटैक करेगा और कहाँ पे अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा ऐसा? आई एम टेकिंग दिस न्यूक्लियोफाइल, चलो न्यूक्लियोफाइल ले लिया मैंने, ये ले लिया चार्ज न्यूक्लियोफाइल ले लिया, अच्छा सा। अब ये अटैक कहाँ पे करेगा मुझे बताओ, देखो होगा क्या कि रिंग ओपनिंग, ध्यान देना यहाँ पे, रिंग ओपनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप जरा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ये रिएक्शन, ये जो इंटरमीडिएट बना है इसको देख करके आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि एक्चुअल कहां से रिंग ओपन होगा, समझो बेटा यहाँ पे, समझो इसको राइट। देखो ये रिंग ओपनिंग कहां से होगा, अगर ये वाला सपोज स्ट्रक्चर, ये वाला बॉन्ड इधर ओपन हो जाता है, आप समझो जरा सा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया, ये ओ एच यहाँ पे आ गया और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा होगा कि ये वाला ब्रेक करेगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मैं दोनों सिचुएशन बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो एकदम। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग देन हियर क्रिएट द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग देन हियर क्रिएट द पॉजिटिव चार्ज। यू टेल मी वेयर दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, वेयर दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। डेफिनेटली दिस कार्बो कैटन इज मोर स्टेबल, दिस कार्बो कैटन इज मोर स्टेबल, सो इट विल अटैक हियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये कैसा बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया बेटा, तो ये कैसा बना सेकेंडरी, और ये कैसा बन गया टर्शियरी कार्बो कैटन, एंड डेफिनेटली वी नो दैट टर्शियरी कार्बो कैटन इज मोर स्टेबल, सो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक हियर। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Here we get this what? R यहाँ पे आ गया क्या बेटा OH, और यहाँ पे क्या आ गया R R और ये आ गया न्यूक्लियोफाइल। I hope understood this part. Right है? Yes. Answer. ठीक है। अब मेरी बात को समझो यहाँ पे, ये जो रिएक्शन होगा ओपनिंग का, ये दो प्रोसेस में हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, एसिडिक और अल्कलाइन, बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम। तो अगर ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है एसिडिक मीडियम में जाएगा SN1 के थ्रू, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोटोनेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन जो स्टेबल रहेगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर ये बेसिक मीडियम में हो रहा है बेसिक मीडियम के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे SN2, नोट डाउन करके रखो इसको। हाँ मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, एग्जांपल बताऊंगा ठीक है। अब देखो एसिडिक और बेसिक मीडियम का कैसा हो रहा है यहाँ पे, समझो जरा सर कहानी को पूरा। जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं इसका, एग्जांपल देखो, ये नोट डाउन कर लिया, इसको नोट डाउन करो, मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, इसका मतलब ही होता है H2O H प्लस, मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। हाँ आपको आ रहा है समझ में? यू टेल मी व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर, जरा समझो इसको और बताओ मुझे प्रोडक्ट क्या बनेगा।
मनीषा माइक म्यूट कर दो बेटा। हाँ हाँ एक्सचेंज सर। What product will get here? Tell me fast. समझो ना यहाँ पे क्या होगा प्रोसेस। H plus आएगा यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, राइट? प्रोटोनेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? देखो CH3 CH CH2, ठीक है? देखो यहाँ पे अब समझो जरा इसको क्या हुआ रहेगा यहाँ पे प्रोसेस में। H प्लस आया यहाँ पे, H प्लस बन गया, दिस इज प्लस, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट? न्यूक्लियोफाइल जो OH माइनस है कहाँ पे अटैक करेगा मुझे बताना जरा सा यहाँ पे, वेयर इट विल अटैक। तो डेफिनेटली दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक हियर, राइट? तो प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे? OH और OH, राइट? इट ओके आई हैव डन। समझ में आया क्या इसका मैकेनिज्म? मैं बताता हूं आपको, देखो मैकेनिज्म मैं बताता हूं यहां पे, सुनो मैकेनिज्म मैं बताता हूं आपको। देखो यहां पे पूरा कहानी समझो इसको, हां मैकेनिज्म हम करेंगे। ये हो गया O और यहां पे CH3 है, ठीक है? देखो यहां पे पहला H+ का दिखाया मैंने, प्रोटोनेशन दिखाएंगे यहां पे। प्रोटोनेशन में ये होगा अटैक करेगा और फॉर्म करेगा प्रोडक्ट ओके। तो देखो यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन हो गया बेटा, यहाँ पे प्रोटोनेशन में क्या फॉर्म हो गया प्रोडक्ट? ओ और यहाँ पे आ गया एच, दैट इज व्हाट प्लस, ठीक है? इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो H2O है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ध्यान देना पूरी बात मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। This is nucleophile. अब ये nucleophile कहां पे अटैक करने के लिए प्रेफरेंस देगा? बोलो जरा। The right carbon. यहां पे देगा ना? There will be attack here. ये कैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बट ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, समझो ना? ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा। प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे? देखो प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, ये ऐसा हो गया, राइट है? ये ऐसा हो गया और यहाँ पे वो एच आ चुका है, इसको मैं थोड़ा ऐसा बना सकता हूँ, यहाँ पे आ गया H2O, यहाँ पे भी प्लस है,
अब यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा, क्योंकि अगर प्रोटोनेशन हुआ है तो डेफिनेटली नेक्स्ट लास्ट में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, राइट। आफ्टर डीप्रोटोनेशन, इसी को हम बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन में ये बन गया प्रोडक्ट, क्या बना अपने पास, देखो OH हो गया और यहाँ पे क्या अटैच हो गया, OH। क्या समझ में आ गया सबको, यही तो बनाया मैंने, राइट। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए इसी रिएक्शन को अब यहां पे देखना, ट्विस्ट कहां पे आता है, इसीलिए रिएजेंट्स आर इंपॉर्टेंट, कौन सा रिएजेंट अटैक कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसी रिएक्शन को मैं यहां पे लिखता हूं, देखो आप ओ राइट है, यहां पे ले लिया, नाउ आई एम राइटिंग दिस वर्ड MEOH, ऐसा ले लिया Na प्लस माइनस। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज इन द बेसिक मीडियम। मैं यहां पे अभी क्या बताने वाला हूं आपको, बेसिक मीडियम की बात बता रहा हूं मैं, बेसिक मीडियम समझो जरा इसको, राइट। अभी तक मैंने एसिडिक मीडियम का बताया आपको, प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होकर के वहां पे न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा, जो स्टेबल होगा कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा, क्योंकि जहां पे भी SN1 जाएगा, आप रिमेंबर रखो, हमेशा ध्यान में रखो, ऑलवेज रिमेंबर इट, SN1 में आपको प्रेफरेंस किसको देना है, क्या ध्यान में रखना है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जो स्टेबल रहेगा वहां पे, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म जरा देखो इसको, मैंने रिएजेंट चेंज कर दिया, ये SN2 के थ्रू जाएगा अभी, राइट, इट विल पास थ्रू द SN2। अब जरा अपना दिमाग लगाओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर, जहां पे लेस हिंड्रेंस रहेगा, देखो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया आपका MEO- मिथॉक्साइड आयन, अब ये अटैक करेगा बेटा, वहां पे अटैक करेगा जहां पे हिंड्रेंस कम है, यहां पे ज्यादा, यहां पे कम है, इट विल अटैक हियर ओनली, समझ में आया क्या, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहां पे, तो क्या प्रोडक्ट बना आप बताओ मुझे, वी गेट दिस प्रोडक्ट, क्या हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा यहां पे, देखना जरा सा, यहां पे OH आ चुका है, वो माइनस हो चुका है यहाँ पे, यहाँ पे ये बॉन्ड था और ये चीज जो है यहाँ पे आ गया है OMe, क्या इतनी बात समझ में आई आपको, इसके बाद सिंपल इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये फॉर्म कर देगा यहाँ पे OH, ये प्रोडक्ट बन गया, राइट है। तो बेसिक कैटलिस्ट अगर हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं बेसिक कैटलाइज्ड रिएक्शन, बेसिक कैटलाइज्ड रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे हिंड्रेंस कम है, और एसिडिक में वहां पे अटैक करेगा जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है। जैसे एक एग्जांपल जिसमें आप दोनों प्रोडक्ट लिखोगे, ऑल ऑफ यू जस्ट राइट एंड टेल मी व्हाट प्रोडक्ट वी गेट हियर, मैं लिखता हूँ, ये हो गया क्या आपको, आपका लिख के हो गया, जस्ट टेल मी, अच्छा हो गया, ठीक है देखो, ओके देखिए रिएक्शन में क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एकदम ध्यान से समझो और प्रोडक्ट बताओ मुझे, सिंपल है, आपको समझ में आएगा चीज, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे रहा हूँ, एकदम सिंपल दे रहा हूँ, ठीक है,
यहाँ पे मैंने ले लिया H2O, और यहाँ पे मैंने ले लिया, ध्यान देना यहाँ पे, हाँ ये ले लिया मैंने MeO माइनस Na प्लस, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। अब बताइए मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट, दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे, क्या डिफरेंस आएगा, कैसे होगा, बताओ मुझे, सोच के बताओ अच्छे से। आपने फर्स्ट वाला तो देखो, ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और यहाँ पे बेसिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम, दैट इज द डिफरेंस, राइट, ठीक है। yes. तो एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट क्या बन रहा है बताओ मुझे, देखो यहाँ का प्रोडक्ट बेटा ये तो सिंपल है ना, इसमें तो बन गया आपको क्या बनेगा, हाँ हम दिखाओ कैसे, तो यहाँ पे हुआ प्रोटोनेशन, देखो कॉमन है, प्रोटोनेशन तो होगा ही होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में एक बार प्रोटोनेशन हो गया, प्लस हो गया, तो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, राइट ना, राइट, तो कार्बोकैटायन बनेगा ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, ऐसा वाला एसिडिक मीडियम में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो प्रोडक्ट अपना बन जाएगा यहाँ पे, ऐसा आएगा OH, यहाँ पे आ गया H आ गया और यहाँ पे आ जाएगा, राइट है, यही बना ना प्रोडक्ट, बोलो, दैट इज अवर न्यूक्लियोफाइड, हाँ जी, वेरी गुड, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब यहाँ पे ये वाला ब्रेक होगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे अटैक करेगा, OH हो गया यहाँ पे, और ये क्या बन गया यहाँ पे, OME, क्या समझ में आया आपको, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, चीजें क्लियर हो गई, तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो जरा ध्यान देना पड़ेगा आपको, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम जब मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट देता हूँ तो उसको लिख करके नोट डाउन करके रखो कहीं पे, हाँ अच्छे से, हाँ ऐसा, ये सब ऐसा कलरफुल कर देने का, हाँ बाद में आपको याद रहेगा, तो ये सब कर दो जो कर सकते हो, चलिए इपॉक्साइड भी आपको समझ में आ गया, देखो एक और अच्छा सा एग्जांपल है, देखो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ मुझे, ओ सी एल, ठीक है, बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो ये बेटा पास तो होगा एस एन टू के थ्रू, अटैक कहां पे करेगा, जो लेस एंट्रेंस है, राइट है, यहां पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है
दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक हियर एंड इट विल ब्रेक हियर द बॉन्ड राइट है और सिस्टमैटिक लिखता हूं तो बोलो यहां पे प्रोडक्ट क्या बना अपना वी गेट दिस प्रोडक्ट ये तो है यहां पे ऑलरेडी ऐसा ऐसा है यहां पे क्या आ गया ओ माइनस आ गया है और यहां पे सीएल है और यहां पे अटैच हो गया अपना ओ एमई इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब होगा क्या ये माइनस है और यहाँ पे क्या है सीएल है आपको पता है ना राइट इंट्रा मॉलिक्यूलर हो जाएगा यहाँ पे रिएक्शन ये अटैक कर देगा यहाँ पे राइट और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा समझ में आ रहा है दिस इज एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा अभी यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया ध्यान देना यहाँ पे इससे अटैच हो जाएगा ना बेटा तो ये ग्रुप तो एज इट इज रहेगा जो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे ये रहा ठीक है इनसे अटैच क्या हो गया ऑक्सीजन सॉरी को ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे ये है ना ऑक्सीजन और ये आ गया इसके साथ ऐसा तो ग्रुप बन गया ठीक है ये हो गया ओ एम पी क्या समझ में आया ये प्रोडक्ट इंक्लूड कर दिया दोनों चीजों को मैंने हाँ राइट है वेरी गुड ये हो गया एपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग और रिंग फॉर्मेशन दोनों चीजें मैंने बता दी आपको ठीक है अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मींस व्हाट एसिड डेरिवेटिव्स जो मैंने आपको पहले बताया था ये सारे रिएक्शंस मैं बताऊंगा आपको तो एलिफेटिक का मैंने देख लिया सब अल्काइल हैलाइड का देख लिया अल्कोहल का देख लिया हम लोगों ने ईथर का देख लिया राइट साइक्लिक ईथर का देख लिया अब एसिड डेरिवेटिव्स तो कुछ रिएक्शन देखेंगे ठीक है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो जाएगा इसके कुछ एग्जांपल कराऊंगा मैं इंटरेस्टेड फिर फिनिश ठीक है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी खत्म होगा इसके अलावा फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक है बट वो इतना टाइम नहीं लेगा चलिए ये नोट डाउन हो गया यस गुड चलिए देखिए नेक्स्ट वन Now I'm going to explain nucleophilic substitution reaction at sp2. Hybridized carbon atom. ठीक है sp2 hybridized carbon atom. इसका मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इन शॉर्ट वी कैन से दैट SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन राइट ऑफ एसिड डेरिवेटिव राइट है इसी रिएक्शन को हम कह सकते हैं असाइल सब्स्टिट्यूशन ठीक है क्या बोलते हैं इसको असाइल
सब्स्टिट्यूशन, असाइल सब्स्टिट्यूशन क्या है देखते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट असाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, समझो जरा यहाँ पे असाइल ग्रुप क्या होता है, इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऐसे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जरा इन सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एकदम ध्यान से समझना यहाँ पे, एकदम ध्यान से समझना। देखो नॉर्मली ये सब चीजें यहाँ पे नहीं बताते लोग, और एक सिंपल सा कोई भी एग्जांपल बता के आगे चले जाएंगे, क्योंकि एसिड जब कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको आएगा ये, बट मैं यहाँ पे ही आपको बता दे रहा हूँ, तो वहाँ पे चीजें और इजी हो जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्या हो रहा है यहाँ सब, जो असाइल होता क्या है ग्रुप, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसी ग्रुप को हम बोलते हैं असाइल ग्रुप, और यही असाइल ग्रुप जब दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट असाइल सब्स्टिट्यूशन, राइट है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, राइट ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट असाइल सब्स्टिट्यूशन, मींस यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे सीएल हो सकता है, जब कौन कौन से ग्रुप है जो ये रखते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आर C double bond O Cl, R C double bond O C double bond O R, R C double bond O O R, R C double bond O NH2, क्या आपको समझ में आ रहा है सब, क्या एक चीज आपको पता चल रही है कि सब में ये ग्रुप प्रेजेंट है, समझ में आया इतना। अब ये अगर सीएल यहाँ से हटके कुछ और अटैच हो गया, ये यहाँ से हटके अटैच हो गया, ये यहाँ से हटके अटैच हो गया, ये यहाँ से, तो दैट इज व्हाट असाइल सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है, राइट, इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट एसिड क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड व्हाट एनहाइड्राइड, ये तो पता ही होगा आपको, एनहाइड्राइड, दिस इज व्हाट एस्टर, दिस इज व्हाट अमाइड, ये जितने भी ग्रुप है वो कैसे हैं, एसिड डेरिवेटिव्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना बेटा यहाँ पे, सुनो ना, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यही है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी से तो बनाई है ये, दैट इज कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव, वही मैंने लिखा एसेंट ऑफ एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से, एसाइड क्लोराइड, राइट, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, राइट है, क्लियर, हाँ सर, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे एक जो मोर इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वो मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको चीजें समझ में आएंगी, जैसे मैं यहाँ पे ही फॉर्म करता हूँ, इसके लिए जो एक कह सकते हैं कि फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जो चीजें आपको बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद रिएक्शन देखेंगे, फटाक से खत्म होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें, देखो ठीक है, क्या है यहाँ पे, सी कार्बोनिल कंपाउंड, हाँ लिविंग ग्रुप, ठीक है, कंजुगेट एसिड्स ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, यहां पे पी के ए, समझो इसको, यहां पे मैंने पहला ले लिया फर्स्ट आर COOCl, तो यहाँ पे सिंपल सा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हो गया लिविंग ग्रुप, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा HCl, और इसका पीके वैल्यू कितना होता है -7, दूसरा यहाँ पे मैंने ले लिया एनहाइड्राइड,
आर लिविंग ग्रुप क्या होगा यहाँ पे माइनस इसका एसिड क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ कंजुगेट एसिड और इसकी जो पीके वैल्यू होती है दैट इज व्हाट माइनस थ्री टू माइनस फाइव थर्ड वन यार पे डिपेंड करता है जैसे माइनस टू टू माइनस फाइव यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा यहाँ पे मैंने ईस्टर ले लिया लिविंग ग्रुप इज व्हाट एल्कोक्सी ग्रुप ये निकला यहां से इसका एसिड क्या होगा अल्कोहल होगा डेफिनेटली कंजुगेट एसिड इसकी जो वैल्यूज होती है क्या होती है 15 टू 16 पीके वैल्यू फोर्थ वन ये मैं क्यों लिख रहा हूं आपको अभी समझ में आएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले लिया मैंने यहां पे इसका लिविंग ग्रुप क्या है OH इफ लिविंग ग्रुप इज OH देन व्हाट इज द कंजुगेट एसिड HOH इट्स वैल्यू इज व्हाट 15.7 फिफ्थ वन आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ये भी राइट दिस व्हाट NH2 then we get what NH3 as a conjugate acid and this is what 36 एकदम सिंपल चीज है ये समझ में आ गई अब इसी के बेसिस पर यहां पे फॉर्मेटिंग करना हो देखो यहां पे सो रिलेटिव बेसिसिटी आप देखो ना पीके वैल्यू जितना ज्यादा जितना कम रहेगा उसका आपको समझ में आ रहा है ना पीके वैल्यू क्या रहता है क्या डिसाइड करता है पीके जितना ज्यादा रहेगा उसकी एसिडिटी क्या रहेगी उतने कम रहेगी पीके वैल्यू जितना कम रहेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा रहेगा ये तो पता है ना आपको पीके वैल्यू किसी भी सब्सटेंस का जितना कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा आपको समझ में आ रहा है तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं यहां पे ठीक है उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं देखो जरा ध्यान से समझो समझो इसको मैं जो बता रहा हूं उसको समझो हाँ ये देखो यहाँ पे 36 हो गया तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सर दस बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे आप बताओ मुझे NH2 ठीक है then OH minus then RO minus then minus then Cl minus इससे यह पता चल गया कि जिसका बेसिसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो लिविंग ग्रुप क्या होगा वीक होगा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा Cl- और सबसे वीक लिविंग ग्रुप कौन सा होगा NH2- आपको क्या समझ में आ रहा है यहां पे जो बताया मैंने राइट ना जो जितना अच्छा बेसिक होता है उतना पुअर लिविंग ग्रुप होता है राइट अब यहां पे देखो तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं लिविंग ग्रुप ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप ये क्या हो जाएगा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर कैसा हो जाएगा अपोजिट जस्ट NH2 लोएस्ट उससे ज्यादा किसका होगा OH माइनस का उससे ज्यादा किसका होगा RO का उससे ज्यादा किसका होगा R C डबल बॉन्ड OO माइनस का और उससे ज्यादा हो जाएगा किसका बेटा Cl का क्या इतनी बातें समझ में आ गई आपको इतनी बातें समझ में आ गई आपको वेरी गुड हाँ सो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ असाइल डेरिवेटिव्स
टेंसाइल डेरिवेटिव्स कैसे हो जाएगा यहाँ पे, कैसा होगा देखो, सबसे अच्छा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, COCl। क्या आपको समझ में आ गया अभी सारी चीजें? फिर कौन सा हो जाएगा बेटा यहाँ पे, CO एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अमाइड। ठीक है, सीक्वेंस वाइज ये चीज आपको समझ में आ गई। बेसिक स्ट्रेंथ इसका सबसे ज्यादा है, राइट, इसके लिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे पुअर लिविंग ग्रुप हो जाएगा और सबसे स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप हो जाएगा, राइट। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। ठीक है, अब चलिए एक रिएक्शन लिखते हैं, उसका एग्जांपल देखते हैं मैकेनिज्म के साथ। हाँ, सर वो बॉटम पे क्या लिखा है, रिएक्टिविटी ऑफ असाइल डेरिवेटिव्स। हाँ, ये जो है ना सारे डेरिवेटिव्स, असाइल डेरिवेटिव्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, असाइल डेरिवेटिव्स। आई एम राइटिंग प्रॉपरली, असाइल डेरिवेटिव, ठीक है, लिखो। चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। Have done? Yes. ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ रिएक्शन कैसे हो रहा है, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, Cl, ठीक है। अब इसके ऊपर सपोज H2O का मैंने रिएक्शन करा दिया, राइट, होगा क्या, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम देखने जाएंगे बेटा तो क्या है, ये पॉजिटिव सेंटर ये है और ये नेगेटिव सेंटर है, मोर रिलेटेड टू नेगेटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, है ना, क्योंकि बैलेंस ही यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करनी है। तो इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट लाइक आर सी ओ माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, H2O। आपको आ रहा समझ में? देखो एक एक स्टेप वाइज देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगे फटाफट। HCl बट स्टेबल नहीं रहेगा, राइट, इसमें होगा क्या, ये देखो अब ये अपने आप को शिफ्ट करेगा यहाँ पे, राइट, कैसा शिफ्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो ये निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी इसको मेंटेन करनी है, ये निकलने चाहेगा। बट ये निकलेगा तो ये सोचेगा कि मैं जा रहा हूं, अभी इतना अच्छा ग्रुप है मेरे पास,
और इसको छोड़ के मुझे निकलना पड़ रहा है इसकी वजह से, तो ये निकलते निकलते सोचेगा कि मैं अकेले क्यों निकलूं, इसको लेके निकलता हूं, राइट। आपको चीज समझ में आ रही है? तो ये साथ में लेके निकलेगा ये यहां से ऐसा। तो प्रोडक्ट क्या बना अभी आपका, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ हो गया यहां पे, और यहां पे क्या होगा ये ओ एच हो गया प्लस HCl। क्या समझ में आ गया आपको बातें, मैकेनिज्म समझ में आया बेटा यहां पे? देखो ये Cl माइनस यहाँ पे निकला, तो ये इसको लेके जाएगा यहाँ से, इसके साथ लेके निकल गया इसको, HCl निकल गया यहाँ पे, ठीक है। यस सर, वेरी गुड। अच्छा इसी रिएक्शन को अगर हम ले देखें यहाँ पे, यही रिएक्शन मैं देखता हूँ यहाँ पे Cl है। अब यहाँ पे रिएक्शन किसका करा रहा हूँ मैं, अमोनिया का NH3। क्या होगा प्रोडक्ट समझो, यहाँ पे भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH2 हो जाएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट ना, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे O माइनस NH2, ठीक है, और Cl, ठीक है। अब यहाँ पे NH3 के फॉर्म में अगर ये अटैच हो गया, सपोज NH3 अटैच हो गया, तो यहाँ पे जब Cl निकलने लगेगा, देखो ये तो आएगा ना यहाँ पे, यहाँ से जाएगा तो यहाँ का H लेके, बट ये NH2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, NH3 रहेगा तो H लेके चला जाएगा यहाँ पे। ये फॉर्म क्या कर दिया प्रोडक्ट, NH2 अमाइड बना दिया यहाँ पे प्लस Cl माइनस, HCl लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, दैट बिकम व्हाट अमाइड। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक चीज ऐड हो रही है फिर एलिमिनेट हो रही है, इसीलिए इस सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं SN AE मैकेनिज्म, मींस व्हाट, एडिशन एलिमिनेशन। हाँ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट है, एस एन ए एड हो रहा है फिर एलिमिनेट हो रहा है, समझ में आ रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। अभी जरा देखो एक रिएक्शन में आते हैं, हैव डन, यस सर, यस सर, ये जरा अच्छे से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में बनाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन है आर सी ओ L plus H2O,
HOH. So what will form here? Who is this sign in? What happened? क्या हो रहा है आज? ठीक है, कोई टेक्निकल इशू हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. देखो ओएस, ठीक है. अब मेरा देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे. मैंने लिखा 18, ठीक है, यहाँ पे 18, और यहाँ पे 18. समझो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट product and explain what conclusion can be drawn by the isolation of these two products regarding the mechanism of reaction. Mechanism of reaction. ठीक है, बताओ मुझे. बोल रहा है अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स, राइट, एंड एक्सप्लेन व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन बाय द आइसोलेशन ऑफ दिस टू प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. बताओ मुझे. तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट द मैकेनिज्म एंड व्हाट पॉसिबिलिटीज आर हियर. जितने पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. कैसे? देखो यहाँ पे दिस सोल्यूशन, आई विल एक्सप्लेन इट. सोल्यूशन देखो यहाँ पे, मैकेनिज्म के थ्रू जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. डबल बॉन्ड ओ एंड लीविंग ग्रुप, ठीक है. डेफिनेटली यहाँ पे HOH है, वाटर एज अ लिविंग ग्रुप, सॉरी एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे. पॉजिटिव सेंटर कहाँ पे? यहाँ पे. दिस इज व्हाट नेगेटिव सेंटर, ये अटैक करेगा यहाँ पे. क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे देखो. अच्छा, दिस इज व्हाट पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इज व्हाट ओ माइनस एंड दैट इज द 18. देखो यहाँ पे पहले मैंने 18 लिया है, देखो ध्यान से समझो इसको. दिस इज 18 मतलब व्हाट? आइसोटोप्स, राइट. 18 आइसोटोप यहाँ पे है, 18 वाला ले लिया मैंने, लिया गया क्योंकि इसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज हो रहा है. अब क्या होगा यहाँ पे? चांसेस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. अब यहां पे क्या हो रहा है?
O माइनस लिविंग ग्रुप और OH, ठीक है। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ये निगेटिव यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। H को लेके जाएगा साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको स्टेप वाइज दिखाया, डायरेक्टली दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया अपना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हम लोग OH लिख सकते हैं, ये वाला OH यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OH, इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, दिस वन इज 18 नंबर ऑक्सीजन, दिस इज द 18 नंबर ऑक्सीजन, दैट्स ऑल। बट यहां पे अगर मैंने इसको यहां पे चेंज किया, देखो ये चीज, ठीक है, कि इसका प्रोटोनेशन पहले हो गया कहीं से, आप समझो ना, यहां पे प्रोटोनेशन हो गया, OH बन गया, और यहां से ये निकलना शुरू कर देगा, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, समझो इसको कहानी को। तो दैट बिकम व्हाट, आर सी ओ एच लिविंग ग्रुप और ओ माइनस हो गया, ठीक है। और यहां से जब प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, ये देखना यहाँ पे, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। और यहां पे जो ओ एच आएगा, ये वाला ओ कैसा रहेगा, ये 18 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्योंकि अब लिविंग, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, दैट बिकम व्हाट, ये चेंजेस हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन जो है वो 18 है, बट यहाँ पे OH वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला ऑक्सीजन है वो 18 है, ठीक है। राइट हियर, दस फॉर्मेशन ऑफ दीज टू प्रोडक्ट These two products conform conformation takes place by formation tetrahedral इंटरमीडिएट एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट्स ऑल, रीड इट। Have done. Okay, beta.
देखो यार, सिंपल से रिएक्शंस देखो यहाँ पे, जैसे मैंने लिया असाइल क्लोराइड, सीएल, ठीक है, इसके रिएक्शंस देखते हम लोग। देखिए यहाँ पे सपोज ले लिया एच ओ एच, देखो यहाँ पे एच ओ एच ले लिया, यहाँ पे ले लिया एन ए ओ एच, यहाँ पे ले लिया आर, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एन ए, एन एच सी ले लिया, राइट है, एम जी एक्स ले लिया, सी डी ले लिया, कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम। हाँ, अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेंगे देखो, यहाँ पे व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर, ध्यान से देखो, आप बताओ फटाफट क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। देखो इससे रिएक्शन करेगा तो बना बनेगा आर सी ओ ओ एच प्लस एच सी एल, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे क्या मिला अपने को, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, एस्टर फॉर्मेशन हो गया एन ए, ये डैश कर सकते हैं यहाँ पे अगर डैश है तो। यहाँ पे क्या मिला अपने को एन एच टू से, मैंने बताया था एन एच टू, यहाँ पे आर एम जी एक्स ले लिया तो क्या बना आपने को, डैश ले लिया, और कैडमियम डाई अल्काइल कैडमियम लिया तो वी विल गेट व्हाट, कीटोन, वेरी गुड मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, बहुत अच्छा मेथड है, ये प्रोडक्ट बन गया। देखो रिएजेंट्स के हिसाब से आप प्रोडक्ट ले गए, सबसे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे, राइट ना, राइट है, ओके, वेरी गुड।
होगी यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने एसिड एनहाइड्राइड ले लिया देन व्हाट वी गेट हियर, प्रोडक्ट क्या मिलने वाले अपने को, देखो आर थ्री डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसको, HOH, ठीक है, यहाँ पे HOH से करा दिया रिएक्शन, यहाँ पे कराया तो किससे कराया, NH2 से, ठीक है, 2 मोल्स हाँ, यहाँ पे रिएक्शन कराया इसका NH2 से 2 मोल, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने टू मोल्स, अदरवाइज हियर रिएक्ट विथ व्हाट, HOH, NaOH, फाइंड आउट द प्रोडक्ट, आप खुद से ट्राई करो, देखो यहाँ पे डेफिनेटली ये लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, हाँ यहाँ से H जाएगा OH आ जाएगा यहाँ पे, अब देखो खुद से रियलाइज करो, आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, पॉलीजेनेसिस, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को, RCOOH प्लस, बाय प्रोडक्ट क्या मिला अपने को, ध्यान दो यहाँ पे RCOOH, दोनों एसिड मिल गया अपने को, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ NH2 NH3 टू मोल्स लिया मैंने, सो व्हाट विल गेट हियर, फर्स्ट वी गेट दिस व्हाट अमाइड, देन माइनस, यहाँ पे देखो क्या मिला अपने को, ये प्रोडक्ट, राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, सपोज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया तो क्या मिलेगा, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट, फर्स्ट, और उसके बाद इसका रिएक्शन कैसे करेंगे, H प्लस और H2O से रिडक्शन, तो हियर वी गेट दिस व्हाट, टू मोल ऑफ अल्कोहल, हाँ ठीक है, बना लो प्रोडक्ट,
डन सर. डन, वेरी गुड. तो बाकी तो आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, सपोज एस्टर का एक रिएक्शन दिखा दिया मैंने. अगर यहाँ पे हाउ दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन एस्टर, सिंपल रिएक्शन है. डैश एच ओ एच एच प्लस ले लिया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या बनेगा, आर ओ एच सॉरी आर ओ ओ एच एंड आर ओ एच. देखो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो गया. इस तरह की जगह पे अगर मैंने अमाइड ले लिया तो क्या बनेगा यहाँ पे, अमाइड से भी वही एसिड बनेगा और अमोनियम आयन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट. अभी एक रह गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, बट वो मैं एरोमेटिक कंपाउंड बताऊंगा तब उसके साथ एक साथ बताऊंगा मैं न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, क्यों नहीं हो पाता, ठीक है, होता है तो कैसे होता है, ऑल दिस थिंग्स क्लियर. यस. सो अभी रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. एक्चुअल फ्री रेडिकल भी सेपरेटली बता सकते हैं बट नो प्रॉब्लम, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में बता दूंगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा. इलेक्ट्रोफिलिक भी सब्स्टिट्यूशन जो होता है मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड में ही होता है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ये चीजें पूरा क्लियर हो जाएंगी. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है. अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट कंक्लूजन एकदम ध्यान से समझो. मैंने बताया आपको एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था आपका, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म था, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म था, SNI रिएक्शन मैकेनिज्म था, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन था. ये चार रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे. अब इसका कंक्लूजन आपको खुद से करना पड़ेगा, मैंने कंपेयर करके भी लिख के दिया, डिस्टिंग्विश भी लिख के दिया, आपको देखना पड़ेगा, राइट ना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे अटैक करता है, क्या उसका प्रोडक्ट बनता है, उसमें जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो कैसी है, किसमें रिटेंशन मिलता है, किसमें इन्वर्जन मिलता है, किसमें क्या मिलता है, कैसे अटैक करता है, ये पूरा कंक्लूजन एक अच्छे से अपने आप से कर लो, राइट ना. जितना अभी तक लेक्चर लिया 5, 6, 7 जो भी लेक्चर लिया, सबको एक साथ लेके बैठो, सबको एक साथ इंक्लूड करो, राइट, उससे जो एग्जाम्पल लिखा है उसको लिखो, फिर एक कंक्लूजन बनाओ इसमें, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, किसका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एक बार देखने से आपको याद हो जाए, ठीक है, समझ में आए इतना. हाँ सर, ठीक है, तो ये इतनी पार्टें हैं आज, यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग, कल अगर लेक्चर होगा तो कल मैं स्टार्ट करूंगा आपको दूसरा कुछ, ठीक है, ओके, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके बाय सर.